Welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel, click on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram, Twitter, Facebook. Sare ke sare link hoge description box mein. Namaste, this is Dvija aur kaise hain aap? Hum dekh rahe hain stand up comedy Harsh Gujral. Is baar I don't think maine itna time lagaya hai. Humne jaldi jaldi thankfully notification diya YouTube ne, bhagwan. YouTube, shukriya. We are seeing BTech stand-up comedy by Harsh Gujral. Let's go, let's get it. Har baar ki tarah, umeed hai. Video, chalega, rahega, maza aayega. And yeah, let's go. Jitna ho sake utna jaldi. Intro. Oh, number one on trending. Damn. Let's go, playing. कोई ऐसी लड़की है जो ये कहती मैं अब इंडिया के लड़कों को डेट नहीं करना चाहती. हां दिस गर्ल राइट हियर. ओके आपका नाम क्या मैम? मुस्कान. क्यों छीन लिया आपकी किसी ने? क्या करती हो मुस्कान? सॉरी फ्लाइट अटेंडेंट. ओके फ्लाइट अटेंडेंट. कौन सी एयरलाइन में हो बहन? एयर इंडिया. एंड दैट रिएक्शन. जाना होता लाहौर लैंड कर देते. Recently, I had really bad experience. Air India, लड़के क्यों पसंद नहीं है? Any reason? कुछ भी. Sorry. Not really. Foreigners are better looking. आपने कभी front camera खोला है? India के मर्दों की बेइज्जती नहीं चाहूँगा मैं. The guys are like all in the cheers. Oh, we are starting. Life of an engineer. हम काफी सारे engineer base देख रहे हैं आजकल stand-ups. हम उस field से नहीं है but okay. I feel you. मैं एक engineer हूँ और उसमें ही लोग हंस दिए. इसमें क्या हंसने की बात है? मैं एक engineer को ताली बजाते. कितना है कोई है यहाँ पे engineer बेटा क्या? इतने इस रूम में आधे भरे पड़े हैं देखो. इंडिया में इतना इंजीनियर पता क्यों है? 2005, 6, 7, 8, 9, 10 के आसपास इंडिया में एक बीटेक की नदी बह रही थी तो माँ बाप पता करते अपनी आंखें बंद कर देते अपना बच्चा उठा देते और यू कर देते. उसके बाद बच्चा तैर रहा है डूब रहा है नदी में मर रहा है मछलियों के साथ संभोग कर रहा है. Okay. उनको कोई मतलब नहीं बेटा संभोग जो होता है ना अभी जो जेन जी के बुक है एडिटिंग अच्छा है. पुराने लोग बोलते थे जेंजी के लिए रोमांस होता. हाँ मेरे बाद में मुझे 12 के बाद पूछा हर्ष तुम्हारा क्या मन है करने का. मैंने कहा पापा एलकेजी यूकेजी मिला के मैं 14 साल से पढ़ाई करो कह रहे तो मैंने कहा मेरा आराम करने का मन. तो कहते यूं ही जिंदगी भर बाप के टुकड़ों पे पलते रहोगे. मैंने कहा मुझे दिक्कत नहीं आपको क्या प्रॉब्लम है. कहते बीटेक कर लो. मैंने क्यों कह रहे माहौल चल रहा है बीटेक का. मैंने माहौल तो चोरी चकारी का भी है बाबा. डकैती डाल दे कह रहे बेटा बीटेक करोगे दो वक्की रोटी कमाओगे. और बाई गॉड मेरे बाप ने सच बोला था जितने लोगों ने बीटेक करी है ना ये दो ही वक्की रोटी कमा रहे हैं आपको. इनके पास अपनी सब्जी भी नहीं है. इनको सब्जी के लिए तीसरे वक्त में जाना पड़ रहा है. वहां राजकुंद्रा बैठा हुआ है. हमारी पिक्चरों में काम करोगे? बाप रे. इंजीनियर्स वहां भी रिजेक्ट हो रहे हैं. प्यार और पैसा दोनों नहीं है इंजीनियर्स की जिंदगी में. मैंने सुना है कोई कहता है कि अगर आप इंडिया में भीड़ में पत्थर मारो इंजीनियर्स को लगता है. मतलब इतने सारे मैंने बीटेक करी 15-20 पत्थर खा चुका हूं. ये कौन चूते हैं जो मार के चेक कर रहे मुहावरे कॉन्टेस्ट करते फट के चार हो जाना हो तोड़ी जाती. Obviously. मैंने तो कभी नहीं महसूस करी. कोई लड़की आईटी में जॉब करती है. एनी गर्ल इज वर्किंग फॉर एन आईटी कंपनी. किस कंपनी में मैम? है नहीं नहीं कंपनी. ये क्या था? कोई लड़की अच्छी आईटी कंपनी में काम करती है. TCS. देख रहे हो भाइयों कितने स्टाइल में बता रही. कुछ नहीं है 3.2 लाख पर एनम. और 3.5 लाख में लड़कियां कैब से ऐसे उतरती हूँ करके भाई से. ये लॉन्डो का 2-2 लाख रुपए दिन का पैकेज होता है. जब तक चिंगारी निकलाती ना अमेज़न जंगल से. ओके सही में मेरे साथ एक लड़की जॉब करती थी. 18,000 रुपए सैलरी थी. जब फोन करो बाल स्ट्रेट करा रही हूँ रेस्टोरेंट में खाना खा रही हूँ सैलून में ये कर रही हूँ मॉल में शॉपिंग कर रही हूँ. मेरी 50,000 सैलरी थी. काम वाली से उधार लिया मैंने.
उसका नाम लक्ष्मी था, मुझे लगा इसमें तो होगी। What? इंडिया में अगर आप IIT से बीटेक करो 30 लाख का पैकेज लगता है, आप AIITEEE से करो 15 लाख, आप UPTU से करो उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी जहां से मैंने करी, आप जिस कॉलेज से कर रहे होते उसी में सिक्योरिटी गार्ड लगते। मेरा पहला कैंपस प्लेसमेंट कैंपस में ही होगा। जो फोटोकॉपी वाले भैया नहीं होते कैंपस में, उसने जॉब ऑफर करी मेरे को, मैंने कहा काम क्या करना, कह रहा थूक लगा के पन्ने गिनने पूरा दिन। कोई पूछता था आपकी जॉब प्रोफाइल क्या, नया बच्चा आके, मैं कहता ये कैसा बड़ा बच्चा है। मैं आज आपको एक साफ साफ बात बता दूं, मेरी AIEEE में 35 से ज्यादा रैंक थी। और मुझे सच में लग रहा था रैंक अच्छी है, कंप्यूटर में मेरे नाम क्या के रैंक लिखी, वापसी में साइबर कैफे से गाने गाता आ रहा हूँ कि बहती आवाज़ था वो। पापा कहते बड़ा नाम करेगा, रस्ते मेरे दोस्त का फोन है, हर AIEEE का रिजल्ट आ गया। मैंने भूतनी के 4 लाख रैंक है तेरे भाई की, कह रहा आराम खोर 3.5 लाख तो बच्चे ही बैठे थे। मैंने आखिरी बच्चे से 50,000 दूर था मैं, इतना गंदा पेपर कर गया, 240 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक भी ए नहीं था उसमें से। जॉब लग जाएगी, कुछ पैकेज मिल जाएगा, कह रहा बिल्कुल लग जाएगी भाई, TCS करके एक कंपनी है 3.2 लाख पर। That was very smart. ओहो, बड़ा मजा आता था भाई। मेरे बाप रोज पूछते थे हर्ष तुम्हारी रैंक कहाँ रहेगी, मैंने कहा आई थी पता नहीं कहाँ चली। उनको समझ में आ गया था इसने कुछ नहीं किया, उन्होंने मैनेजमेंट कोटे पे मेरा एडमिशन कराया। जिसको नहीं पता मैं बताता हूँ, मैनेजमेंट कोटा जो लड़के मेहनत करते हैं रैंक लाते हैं खुद एडमिशन लेते हैं, मैनेजमेंट कोटे वाले जो होते हैं उनके बाप मेहनत करते हैं। तो पैसे देके एडमिशन कराया, आप बताओ मेरी फीस 1 लाख थी, डोनेशन 4 लाख, बाकी बच्चों ने एजुकेशन लोन लिया, हमने एडमिशन लोन लिया। और हॉस्टल जाके पता लगा इस दुनिया का सबसे बड़ा सच शराब है, हॉस्टल के लड़के सुबह 4 बजे उठ के रॉयल स्टैक से कुल्ले करते, इनसे बोलो ब्रश करना कमोड वाला उठा लाते। सही में भाई नशे में होते हैं। मैंने कहा ये क्या कह रहा भाई, सारे भाई मिलके करेंगे। रुक मैं पेस लेके आता हूँ, मैंने कहा तू नहीं जाएगा पेस लेने। हमने तुझे ब्रश बोल के गलती कर दी, हम दातुन कर लेंगे, मुंगली कर लेंगे, कुछ भी करेंगे। सबसे बड़ा सच शराब है भाई, मेरे बाप के साथ तो घटने कर गए, इतने इमोशनल हो गए। मेरे बाप 4 साल के लिए बेटा जा रहा, मेरा बैग पैक कर रहे थे, उसमें पार्ले जी रखा, सरसों का तेल, बिस्किट, नमकीन सब रखा, कंगी रखा, हॉस्टल पे पहुंचे, ऑटो से हम उतरे, ठंड का टाइम था, हम पे उसने 20 रुपए मांगे, हम पे टूटे नहीं थे। हम लोग अंदर घुसे हॉस्टल की सीढ़ियों पर, दो लड़के नशे में दुत सीनियर्स, हमें अभी पता है उनका नाम, उनका एक राठी सर थे एक भाटी सर थे, होते हैं दिल्ली NCR के हर कॉलेज में। अंदर के पापा कह रहे तेरे गुरु इनसे पैसे मांग ले, कल वापस कर दिया, गुरु नशे में थे। मैं चला गया, मैंने कहा सर 20 रुपए दे दो कल ले लेना, कह रहे 40 लो अभी दो। ओके। मैंने कहा पापा आप तो पीछे हो जाओ, ये लड़ाई अब मेरी है। कह रहे मैं नहीं लड़ने दूंगा। मैंने कहा गुरु हैं, कह रहे गुरुदक्षिणा बहुत अलग मांग रहे हैं, बहुत अलग, इधर आओ सरसों का तेल बालों में लगाने के लिए लाए। वो इतना पीते थे उनको अर्थ को एक तो नहीं पता लगते थे। एक दिन अर्थ को कहा मैं भाग रहा था, मैंने गेट खोला, दोनों बंड बैठे हुए, मैंने कहा सर नीचे चलो, कह रहे क्या हो गया, मैंने कहा मैं कह रहा हूँ सर नीचे चलो, कह रहा हुआ क्या, मैंने कहा अर्थ को एक आया, कह रहा ऊपर ही बुला ले भाई। ऊपर ही बुला ले। और आ रहा है तो उससे कहीं 100 वाइपर का हाफ लेता है। अर्थ को एक 2 सेकंड के लिए रुक गया कि मुझे काम दे दिया किसी ने भाई। अब मैं ठेके पे रुकू, पहले ठेका गिराने आया, मैं शॉपिंग करूँ वहां पे। मेरा एडमिशन इन्होंने गाजियाबाद और दिल्ली के बॉर्डर में कॉलेज था मेरा, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे इतनी गोलियां नहीं चलती जितनी वहां चलती थी, इतनी लड़ाइयां होती थी, रोज पुलिस आती थी हमारे यहाँ, रोज पुलिस आती थी। आप सोचो मुझे लगने लगा था पुलिस भी हमारे कॉलेज से बीटेक कर रही है। एक दिन मैं हॉस्टल से बाहर निकला, 14 पुलिस वाले, एक लेडी पुलिस, मैंने कहा हाँ मैकेनिकल ब्रांच। मुझे तो समझ नहीं आता ये हॉस्टल के लड़के वहां पे इंजीनियर बन गए कि नशेड़ी बन गए। कुछ भी आप दे लो, किसी भी चीज की चीज बोलो, आप बोलो मुझे ठंड लग रही, बोलेंगे विस्की पी लो, रम पी लो, आप बोलो स्टोन हो गया, बियर पियो,
कौन से डॉक्टर हैं ये? बीटेक एमबीबीएस। बीटेक एमबीबीएस। मेरे एक बार स्टोन हुआ यहाँ पे, मेरे दर्द हुई, मैं डॉक्टर पास गया, कह रहा उसने गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है, निकल जाएगा, दो महीने की दवाई दे। मैं हॉस्टल आया, लड़के कह रहे कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं, दवाई फेंकी डस्टबिन में, डस्टबिन से बियर निकाली। मैंने कहा करेंगे कैसा, करें जितनी ज्यादा पियोगे उतना प्रेशर बनेगा, एक दिन तुम सूसू कर रहे होगे तुम्हारा स्टोन सूप करके निकल जाएगा। मैंने कहा ये सूप कौन सी टेक्नोलॉजी है? मैंने कहा डॉक्टर ने 2 महीने की गारंटी दी, कह रहे हम 15 दिन की दे रहे। भाई मैंने उसके बाद 15 दिन इतनी बियर पी ना भाई साहब, मैं छोड़ो पूरा हॉस्टल पी रहा, किसी भी लड़के से बोलो इतनी बियर के पी रहे, वो हर्ष को स्टोन हो गया। भाई को अकेले दवाई पीने देंगे तुम बताओ? एक लड़का पता क्या कह रहा, उसने बॉर्डन वाला इतनी बियर के पी रहा, कह रहा सर स्टोन का नहीं पता, हर्ष का यहाँ से निकल जाए तो। बॉर्डन कह रहा हाँ ब्लूटूथ स्टोन है ना भाई, तेरा वाला वहां से निकल जाए। भाई 15 दिन में सुसु कर रहा था, मुझे कट करके कुछ गिरने की आवाज है, मैं खुश हो गया, मैं डॉक्टर पास, मैं डॉक्टर साहब लड़के करते जितनी बियर पियोगे उतना प्रेशर बनेगा, तेरा स्टोन एक दिन जुप करके निकल जाएगा, मुझे कल रात को कुछ गिरने की आवाज आई है, प्लीज अल्ट्रासाउंड करो। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड शुरू किया, स्क्रीन में देख रहा था, डॉक्टर साहब स्टोन बह गया, कह रहा भूतनी के गॉल ब्लैडर बह गया। मैंने कहा ये कैसे हो गया? कह रहे जुप करके हो गया। मैंने कहा पेट में क्या दिखाई दे रहा? कह रहा कीचड़। बहुत शराब पीते थे हमारे हॉस्टल में, वार्डन ने पौधे लगवाए थे कि लौंडों को ऑक्सीजन मिलेगी, लौंडों ने मुंह मुंह के उन पौधों की भी रोक दी, उन पौधों के लिए फिर अलग से पौधे लगवाए। हाँ उसमें संतरा निकला, वो ने हमारे कमरे वाले को संतरा खा रहा है, वो मुझसे कह रहा है ये वाला बहुत मीठा है, ये कहाँ से आया? मैंने अपने बगीचे के कह रहा एक दो और मिल जाएंगे। मैंने कहा 2 दिन दो, भाभी के लिए पैक करा के दूंगा आपको, अपनी खाद अपनी खेती। एक बार हमारे हॉस्टल में छापा पड़ा था, इतनी बोतलें इकट्ठी होगी थी कि वो बेच के हमारी मैनेजमेंट ने सामने गर्ल्स हॉस्टल बनवाना चालू किया, और लड़के एक्साइटेड सामने स्वर्ग बन रहा है, मैं इतना खुश अपने लेक्चर बंकर के मजदूरों के साथ लग जाता था कि जल्दी करो तुम्हारी भाभी ने रहना है। मजदूर पूछते थे भाभी इस समय क्या कर रही है? मैं कहता इस समय तो वो एयर इंडिया में जॉब कर रही है। सो स्मार्ट, ब्यूटीफुल। सामने गर्ल्स हॉस्टल बना, गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन के लिए वैकेंसी निकली, बॉयज हॉस्टल के लौंडे अप्लाई करा। मैंने भरा वो फॉर्म, मिस हर्ष गुजराल डॉटर ऑफ बबली लाल गुजराल, बाप को फीमेल कर दिया बाबूलाल नाम रखा। ऐसे गंदे गंदे फॉर्म मेरे हाथ में, लौंडे पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। उसमें एक लड़के ने भरा हुआ था, उसमें लिखा था गर्ल्स हॉस्टल में लाइट चली जाती पहली चीज क्या करोगे, इंजॉय लिखा हुआ है कि अगर गर्ल्स हॉस्टल में आग लग जाती है कि लड़कियों को कहां से लेके भागे, उसमें दिल के रास्ते से। कौन है ये देश का भविष्य? एक तो सामने गर्ल्स हॉस्टल बन जाने, लड़कों में अचानक से सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया था कि हम सेफ्टी करेंगे इनकी, जबरदस्ती यहाँ से बालकनी चिल्ला रहा कि हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, चिंता मत करो, कोई है भी नहीं वहाँ पे। लड़कियां एक्चुअली में रहती हैं हॉस्टल में, लौंडे बस जिंदा होते। सही बता रहा हूँ भाई, वहाँ पे बर्थडे मनता था, मैंने पहली बार देखा ऐसे बर्थडे मनता, लड़कियां ऐसे ऐसे परियां उड़ रही हैं, म्यूजिक चल रहा है, वार्डन उड़ती हुई जा रही है, हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस लिखा हुआ है बर्थडे, माय बेबी गर्ल। भाई लड़कियों के हॉस्टल में जब बहन जो बर्थडे होता था ना किसी, उसकी मौत होती थी भाई, मैं सही बता रहा हूँ, 7-8 जन्म का कट्ठे बेल देते थे। मेरा बर्थडे था, वो हराटी और बाटी सर ने केक पे रेस्ट इन पीस गुजराल लिखा हुआ था। मुझे लगा मुझे फिर से गुरु जी का प्यार मिलेगा। भाई उन्होंने मुझे उठा के जो मेरे पिछवाड़े में मारना चालू किया, भाई मेरी यहाँ हड्डी तोड़ दी, यहाँ हड्डी होती भी नहीं है। आपने गान फटी सुना है, मैंने महसूस किया। आपका हले चले चुले, मैंने कहा डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने चेक किया, मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या दिखाई दे रहा? कह रहे एक मुहावरा बोलना चाहता हूँ। मैंने कहा, कह रहा फट के 4 हो गई है। Brilliant. कह रहा सिकाई करो। मैंने कहा कब तक? कह रहा अगले बर्थडे तक। लड़के बहुत पागल होते हैं यार हॉस्टल में। मैंने कई चीजें देख ली, अगर आपने वकालत पढ़ी ना आप वकील बनोगे, आपने डॉक्टरी पढ़ी आप डॉक्टर बनोगे, एक लौटे इंजीनियर होते हैं जो पे पेंदी के लोटे होते हैं। ये 4 लड़के रात को चाय सुट्टी और मैगी के लिए निकलते हैं ना, जब मैगी वाले को देख के जलस हो रहे होते कि भाई इसने 12 पैकेट मैगी बेच दी, हम इसके बगल में छोले कुलचे लगा लें। ऊपर से मैगी वाला और मार ले ताकि भैया मुंह मीठा करो, ऑडी खरीदी मैगी वाले ने। मैगी वाले ने ऑडी खरीदी। इनके पिताजी जो इंजीनियर है वो सोचते कि मेरा बेटा माइक्रोसॉफ्ट में लगेगा, गूगल में लगेगा, टीसीएस में लगेगा या जहां भी लगेगा, और ये लड़के वहां बीड़ी पी रहे सिक्योरिटी गार्ड के साथ, वहां शायरिया कर रहे कि सफलता की सीढ़ी 502 पटाखा बीड़ी।
किसी ने मुझे बोला हॉस्टल में कि तुम बाइक खरीद लो, लड़कियां तुम्हारे पीछे आएंगी। भाई मैंने पैशन खरीदी, लड़कियों का लात तक नहीं बैठा, लौंडों का जो गा बैठा है उस पर। मतलब गा? पैशन पे पांच पांच लौंडे बैठे, बकचोदी कर रहे, कहां जा रहे? मथुरा जा रहे पेड़े खाने जबरदस्ती, आगरा जा रहे हैं चाचा का चाय पीने, चाचा की चाय बहुत अच्छी है, चाचा अपने दूसरे चाय बना रहे हैं। पांच लड़के एक पैसे में पेट्रोल पंप पे बकचोदी कर रहे, भैया बहुत सारा पेट्रोल डाल दो 25 रुपए का, बहुत सारा पेट्रोल 25 रुपए का, वो थूक के चला गया, कह रहा इतना ही आता है। एक दिन डीजल डलवा लाया कोई लौंडा मेरी बाइक में, मैंने कहा ये क्या किया, कह रहा सस्ता पड़ रहा था, इंजन की मां बहन हो गई। सीरियसली एक दिन हम पांच लड़के बाइक पे जा रहे थे भाई, पुलिस ने रोक लिया हमको, कह रही कौन हो तुम लोग? मैंने कहा हम देश का भविष्य है। कहती तुम्हारा ट्रिपलिंग का चलान होगा। उन्होंने कहा नहीं हो सकता, हम पांच बैठे हैं, उनने हमारी कटोरियां तोड़ दी है वाली भाई, देश का भविष्य यूं आया है। तुम लोग को इंजीनियर्स के बारे में एक फैक्ट नहीं पता जो मैं आपको बताऊंगा। मेरा मन था कि मैं कॉलेज इसलिए जाऊंगा कि मुझे डिग्री चाहिए। मैंने करण जौहर की पिक्चर देखी, मेरे को लगता है मैं डिग्री उछालूंगा करण जौहर की पिक्चरों की तरह। मेरा एडमिशन गाजियाबाद में हुआ, मुझे क्या पता हम गैंग्स ऑफ वासेपुर में जा रहे हैं, वो लोग यू निकाले, मुझे हम लोग ने यू निकाला कि निकल जाओ। मैंने कहा नौकरी कह रहे .com, मैंने कहा क्या बोल रहा भाई ये। आधे से ज्यादा इंजीनियर्स ने इंडिया में जो है अपनी डिग्री नहीं ली है कॉलेज से। मैंने खुद पिछले साल तक नहीं ली थी, उनका फोन आया आपकी डिग्री रखी हुई है, उसने एक और बीटेक कर ली पड़े पड़े। मेरे को कहते ले जाओ, मैं नॉस्टैल्जिक हो गया, मैंने कहा जाता हूँ, मैं अपने हॉस्टल में घूमा, अपनी डिग्री ली, जहाँ कॉलेज के हॉस्टल में वो राठी और भाटी सर बैठते थे वहीं बैठा हुआ था, वैसे वहीं चाय पी रहा था। एक लौंडा अपने बाप के साथ आया, कह रहा सर 20 रुपए दे दो कल ले लेना। फुल सर्कल ऑफ लाइफ। मैंने कहा 40 लो अभी दो। This was too good. I know इनके इसका पहला वाला भी it was amazing, लेकिन ये वाला I think one of my favorites still now. It has to be one of my favorites still now. This was so good. Loved it. और उनके gestures और उनकी जो voice modulation है plus the emotions in his like the way he story tells. आई फील मेरे हिसाब से एटलीस्ट मे बी हुआ है नहीं हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन पहले से इट्स सच अ ग्रेट इम्प्रूवमेंट, इट जस्ट हुक्स यू ऑन। ऑब्वियसली उनकी स्क्रिप्ट तो अच्छी है ही, प्लस इज वेरी प्रेजेंट, हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड इज ब्रिलियंट, जो दिखा जो जैसे उन्होंने यू नो क्राउड वर्क से लेके उनके ऑन स्पॉट स्पॉन्टेनियसली ही चेंज्ड हिज स्क्रिप्ट व्हाट्स एवर ही से, दैट वॉज वेरी स्मूथ, दैट वॉज अमेजिंग, दैट वॉज वेरी स्मार्ट, आई लव दैट द मोस्ट, बहुत मजा आया, loved it, period. That's what I had to say. I think this is my favorite till what I have seen, अभी तक के जितने देखे हैं उनमें से, मैं भी बहुत नहीं देखे, लेकिन this is my favorite. I enjoyed, hope you did too. And I am not again an engineer, so I don't know. If you are one, please share a little bit of experience comments में, and I'll see you guys next time. Bye, berries.